नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर आईसीसी वर्ल्ड कप मुकाबले में आमने सामने। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच ये अब तक का सातवां मैच होगा और हर बार इससे पहले भारत ने बाजी मारी। मैनचेस्टर में 20 साल बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का मुकाबला खेली। 1999 वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान इसी मैदान पर आमने सामने हुए थे, जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। अब 20 साल बाद फिर पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। आइए एक नजर डालते हैं टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरेगी। रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी पर ओपनिंग का जिम्मा होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शतक लगाने वाले शिखर धवन चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर हो गए। धवन की जगह राहुल ओपनिंग करने उतर सकते हैं। ऐसे में इस नई ओपनिंग जोड़ी का काम टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत देना होगा। इससे पहले राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तान विराट कोहली नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में कोहली ने 82 रन बनाए थे। बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 पर दिनेश कार्तिक उतर रहे हैं। दिनेश कार्तिक ओपनिंग स्लॉट पर केएल राहुल के शिफ्ट होने के बाद नंबर 4 पर बैटिंग करने उतर सकते हैं। धवन की जगह शामिल किए गए ऋषभ पंत फिलहाल स्टैंड बाय पर। धोनी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, साथ ही उन पर विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में धोनी ने 14 गेंदों में 27 रनों की तूफानी पारी खेली। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे केदार जाधव। केदार जाधव ने न सिर्फ बल्ले से टीम इंडिया के लिए निचले क्रम में कई उपयोगी पारी खेली है, बल्कि जब भारत को बीच के ओवर में कई नाजुक मौकों पर विकेट की तलाश थी तब इन्होंने ही टीम को सफलता दिलाई। हार्दिक पांड्या इस मैच में ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे, जो मीडियम पेस गेंदबाजी करने के साथ साथ नंबर 7 पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को मजबूती देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 27 गेंदों पर 48 रन ठोक दिए थे। पांड्या की पारी कंगारू टीम को बहुत महंगी पड़ी। इस मैच में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी को बरकरार रखा जा सकता है। ये जोड़ी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह अपनी धारदार गेंदबाजी से पाक बल्लेबाजों के सामने परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट झटके थे।